राधे कृष्ण। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, चंद्रयान 3 LVM से जो लॉन्च किया गया इसके बारे में कुछ जानकारी। Here we have a majestic liftoff of LVM 3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Prajwalan aur safaltapurn utthapan LVM 3. यहाँ से सफलतापूर्वक LVM3 यहाँ पर सफलतापूर्वक आगे और बढ़ती जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए निकल रही है आपका ये प्रक्षेपण। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कितने दूर तक जाता है ये प्रक्षेपण आपका चंद्रयान 3। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्च कब किया गया है, इसके बाद बातें करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का चंद्रयान 3 से संदर्भित, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका प्रारंभकर्ता कौन है, इसका जो बनाने वाला है वो कौन है, इसकी स्पीड क्या होगी, पूरी जानकारी संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, उसके बाद चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बारे में बात करेंगे। तो कल ही आपको लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। तो मुख्य बातें हम बताएंगे आपको, वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च कब किया गया है, आखिरकार चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि चंद्रयान 3 अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मूल मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है इसका 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा श्री स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन है। तो चंद्रयान 3 का जो नेतृत्व किया है आपका भारत की रॉकेट महिला, कौन है भारत की रॉकेट महिला, आपकी ऋतु करिधल श्रीवास्तव कर रही है। तो इसकी मुख्य बातें बात करेंगे। तो यह चंद्रयान 3 का जो नेतृत्व किया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का लाइव के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान 3 है जो आपका चंद्रयान 3 6 पेलोड ले जा रहा है जिसमें एक लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। साथ ही इस मिशन का नेतृत्व भारत की जो रॉकेट महिला है आपकी ऋतु करिधल श्रीवास्तव कर रही है। साथ ही लखनऊ में हुआ है कौन सी जो इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का जो जन्म है आपका पालन पोषण लखनऊ में हुआ है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी में MSc की पढ़ाई पूरी की है। अब जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है आपका इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन में 3 प्रमुख उद्देश्य है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, सेकंड चंद्रमा पर रोवर संचालन का संचालन करना, थर्ड और चंद्र सतह पर ऑन साइट प्रयोग में संचालन करना, यह आपका चंद्रयान 3 का उद्देश्य है। अब इसके स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रयान 3 का जो स्पीड है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लॉन्च करने के वक्त जो रफ्तार थी, चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया तो उनकी रफ्तार थी 1627 किलोमीटर। कितनी है 1627 किलोमीटर। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। आगामी एग्जाम में चंद्रयान 3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जैसे आगामी एग्जाम में हो सकता है, उसमें प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए लॉन्च करने वक्त जो इसकी रफ्तार थी, इसकी स्पीड थी 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि 108 सेकेंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लिक्विड इंजन शुरू हुआ। कौन सा इंजन? लिक्विड इंजन शुरू हुआ और रफ्तार बढ़कर 6
6437 प्रति किलोमीटर घंटा हो गई, जबकि 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर रॉकेट से अलग हो गया। बूस्टर रॉकेट से अलग हो गया 62 किलोमीटर के बाद, साथ ही जिसके रफ्तार 7000 प्रति किलोमीटर हो गई है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में हम जान लेते हैं। तो चंद्रयान 2 आपका लॉन्च हुआ था आपका 22/8/2008 को PSLV XLC-11, जो कि 22/8/2008 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार आपका चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट आपका 27/7/2019 यानी कि 27 जुलाई 2019 को GSLV-MK3 लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, है ना। तो चंद्रयान 3 की जो स्पीड आपको बता दिया था, चंद्रयान 1 के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। चंद्रयान जो फर्स्ट है आपका भारत के लिए पहला मिशन था, 22/8/2008 को SDSC श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखेंगे इसी प्रकार चंद्रयान 3 के बारे में, है ना। चंद्रयान 2 के बारे में पहले देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को GSLV-MK3M-1 प्रक्षेपण रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उसी बार इसके बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 की चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। अब देखेंगे कि चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए जो चंद्रयान 3 है, इसका नोट आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। जो चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। क्या भेजे जाएंगे? लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे, और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी। कौन सी बिंदु पर? दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, जो कि आपकी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा चंद्रयान 3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। तो सबसे पहले जो इसका मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो कि चंद्रयान 2 के लैंडर की होनी थी। अब बात करते हैं कि लगता है कि 615 करोड़ यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से प्रतिदिन के अंदर में जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे तो इसके दौरान 10 चरणों में मिशन पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसरो के बारे में, है ना। तो इसरो के बारे में बात करें यहाँ पर, तो 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई, मुख्यालय है आपका बेंगलुरु, ठीक है। उसी प्रकार आपका SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर एस सोमना, ठीक है। उसी प्रकार आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा मिशन चंद्रयान 3 से संदर्भित, है ना। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपका एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था रॉकेट LV-M3M4। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, इसका रॉकेट का नाम क्या है, स्थल कौन सा है, आपका एजेंसी कौन सा है, पेलोड कितना है। तो इसका पेलोड है 3900 किलोग्राम इसका पेलोड है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके पूरी मुख्य बात बारे में, तो चंद्रयान 3 के बारे में आपको पूरी जानकारी एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा कि भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो गया है, यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। अब चंद्रयान 3 को LV-M3M4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इससे सबसे पहले बताएं कि 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। साथ ही चंद्रयान फर्स्ट में शिफ्ट ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं हुआ। याद रखना चंद्रयान 1 और 2 में ऑर्बिटर थे लेकिन 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। अब
इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान रखा गया। एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पर, ये मुख्य बातें याद रखना कि यहाँ पर इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा गया है, जबकि चंद्रयान 2 में भी लैंडर रोवर का नाम यही रखे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।